चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास पे चर्चा करेंगे। और हम लोग जैसा कि लेटर पे चर्चा कर चुके हैं, और इससे जो बड़ी यूनिट होती है इस लेवल, इस पर भी चर्चा की जा चुकी है। और इससे बड़ी यूनिट जो होता है वर्ड, इस पर भी चर्चा किया जा चुका है। और इससे बड़ी यूनिट फ्रेज, इस पर भी चर्चा की जा चुकी है। बस क्या रहा है हमारा क्लास, और इससे बड़ी यूनिट्स बच रहे हैं। तो लेटर्स, लेवल, वर्ड और फ्रेज के बाद में नंबर आ रहा है क्लास का। हम लोगों को क्लास पढ़ना है, थोड़ा सा सावधानी से इसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्लास थोड़ा सा डिफिकल्ट कह सकते हैं, लेकिन उनके लिए डिफिकल्ट नहीं है जो कंसंट्रेट रहते हैं, जिनके पास हिम्मत होती है। हिम्मत मर्दे मदद खुद, आप लोग जानते हैं, विद्वान आदमी हैं। आप लोगों ने कहा कि वीडियो बनाया जाए, तो बनाया जा रहा है, ना तो लाइट बढ़िया है ना तो ठीक है, देखते हैं। चलिए हम लोग क्लास पे चर्चा करते हैं। क्लास किसे कहते हैं? क्लास के बारे में कहा जाता है कि क्लास ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट पाया जाता है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो सेंटेंस में पाया जाता है, लेकिन ये जो रैंक रहता रखता है वो सेंटेंस से थोड़ा सा बिलो इसका रैंक रहता है। लोग कहते हैं कि क्लास अपना पूरा भाव दे देता है। कुछ क्लास ऐसे होते हैं जो अपना पूरा भाव देने में समर्थ रहते हैं। फिर अगर पूरा भाव देने में समर्थ रहते हैं तो उसको क्लास क्यों कहा जाता है? तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, और जब आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। शुरुआत में लगेगा कि थोड़ा सा कंट्राडिक्शन है, लेकिन फाइनली अगर आप समझ जाएंगे तो आपको एक कंकरेंस देखने को मिलेगा, और आपको लगेगा कि कंट्राडिक्शन नहीं, कंकरेंस है। एज पर ग्रामर हम लोग बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। तो क्लास के संदर्भ में तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इसका इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है। तो इसके जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का पाया जाना बहुत जरूरी होता है। सब्जेक्ट के बारे में हम लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट वह शब्द होता है जो सेंटेंस में एक्शन करता है। फाइनली हम लोग इसको अगर इस तरह से समझें कि डूअर इज सब्जेक्ट, तो आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा ग्रामेटिकली या फिर टेक्निकली इसको समझने का प्रयास करें, किताबी भाषा में कह सकते हैं समझने का प्रयास करें, तो हमारे सामने ये बात आती है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट वह होता है जिसकी चर्चा की जाती है। सेंटेंस में जिसकी चर्चा की जाती है वही हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। ये डिस्कस के योग्य होता है, इस पर चर्चा की जाती है। दूसरा चीज हमारा क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट क्या होता है? जो पार्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है, कोई स्टेटमेंट इशू करता है, स्टेटमेंट कुछ देता है, वही हमारा क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। फिर से समझ लीजिए, सब्जेक्ट के बारे में दो चीज़ें बताई गई कि डूअर होता है। दूसरी तरह से हम ऐसे समझ सकते हैं कि सेंटेंस का वह पार्ट या सेंटेंस में जो व्यक्ति या वस्तु, पर्सन और थिंग दिया रहता है, उस पर अगर चर्चा की जाती है तो हमारा सब्जेक्ट ही होता है। और दूसरा पार्ट जो होता है वो हमारा प्रेडिकेट होता है। और प्रेडिकेट वह पार्ट होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है, वही हमारा प्रेडिकेट होता है। अब चलिए, हम जान गए हैं कि क्लास में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का आना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। क्लास को जब क्लासिफाई किया जाता है तो बातें सामने इस तरह से आती हैं कि क्लास के तीन पार्ट होते हैं। देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ क्लास, सॉरी क्लास के जो काइंड्स हैं, काइंड्स की बात की जा रही है कि क्लास कितने प्रकार के होते हैं। तो सामने ये बात आती है कि ये प्रिंसिपल क्लास, और कोऑर्डिनेट क्लास, क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास। ये क्लास की काइंड्स हैं, प्रिंसिपल क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास। इसके बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी अभी, तो केवल हम लोग क्लास को एज
यूनिट के रूप में पढ़ रहे हैं, इसको हम विस्तार रूप से नहीं पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ा जाएगा बाद में पढ़ा जाएगा, लेकिन अभी हम समझ लें कि ये यूनिट किस तरह से होते हैं। तो सबसे पहले हम अगर प्रिंसिपल क्लास की बात करें तो हमारे सामने कौन कौन से बिंदु सामने आते हैं उन पर चर्चा किया जाना ज़रूरी है। प्रिंसिपल क्लास को हम सेंटेंस के थ्रू समझें तो बेहतर होगा। वैसे भी समझा जाए तो ये ऐसा क्लास होता है जो अपना पूरा भाव देने में सक्षम होता है। प्रिंसिपल क्लास को अपना भाव कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे क्लास की आवश्यकता नहीं होती है। तो प्रश्न उठता है, अगर प्रिंसिपल क्लास अपना पूरा भाव एक्सप्रेस करने में ये सक्षम है तो ये क्लास क्यों हुआ? क्लास इसलिए हुआ क्योंकि ये दूसरे क्लास के साथ में ही आता है, नहीं तो ये क्या माना जाएगा? सेंटेंस माना जाएगा ना। सेंटेंस का जो करेक्टरिस्टिक्स होता है वो यही होता है ना कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस का एक करेक्टरिस्टिक ये होता है कि सेंटेंस अपना पूरा भाव देने में समर्थ होता है, और प्रिंसिपल क्लास भी अपना पूरा भाव देने में समर्थ है। तो क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल क्लास एंड असम्पशंस? अगर सेंटेंस और प्रिंसिपल क्लास में कोई अंतर नहीं है तो दोनों एक ही हैं? नहीं, प्रिंसिपल क्लास पूरा भाव देने में समर्थ है, लेकिन वो इसलिए सेंटेंस नहीं है क्योंकि ये किसी न किसी दूसरे क्लास के साथ में आता है। पीजीटी का क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछा गया है। तो चलिए हम देखते हैं एक सेंटेंस के थ्रू, जैसे आई नो वेयर ही लिव्स। अगर हम केवल ये बोलें आई नो, मैं जानता हूँ, तो ये अपना पूरा भाव देने में समर्थ है, तो ये हमारा क्या होगा? प्रिंसिपल क्लास होगा। लेकिन वेयर ही लिव्स, वो कहाँ रहता है, वो जहां रहता है, ये अपना पूरा भाव देने में समर्थ नहीं है, इसलिए ये हमारा प्रिंसिपल क्लास नहीं हुआ। लेकिन ये अपना पूरा भाव देने में समर्थ है, इसलिए इसको हम प्रिंसिपल क्लास कह सकते हैं। तो आगे देखते हैं एग्जांपल और, जैसे ही हेल्प द मैन, द मैन हु वॉज ब्लाइंड। ही हेल्प द मैन, यहां से लेकर के यहां तक देखा जाए तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसे हैं जो अपने भाव को एक्सप्रेस करने में सक्षम है। उसने आदमी की मदद की, ठीक, और इसके बाद में किसी विशेष आदमी की मदद की। अब इसके बाद में जो ये आया है हु वाज ब्लाइंड, ये अपना पूरा भाव देने में समर्थ नहीं है, ये सक्षम नहीं है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये अपने आप को पूरा भाव देने में समर्थ नहीं है, अपना पूरा भाव देने में समर्थ नहीं है, इसलिए इसको हम प्रिंसिपल क्लास नहीं कह सकते हैं। अगर ये कहा जाए तो ये हमारा प्रिंसिपल क्लास है, और ये भी कहा जाए, पूछा जाए कि ये किस प्रकार का क्लास है, तो हमारे सामने ये आता है कि प्रिंसिपल क्लास है। एक सेंटेंस के थ्रू और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कहा जाए कि इज रीडिंग a novel but he his brother is playing। सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। दिया गया है कि he is reading a novel, वह एक नॉवेल पढ़ रहा है, बट हिज ब्रदर इज प्लेइंग, लेकिन उसका भाई खेल रहा है। तो बंधुओं, अगर ये कहा जाए कि ही इज रीडिंग अ नॉवेल, तो ये अपना पूरा अर्थ क्लियर कर रहा है कि नहीं क्लियर कर रहा है? डेफिनेटली क्लियर कर रहा है। लेकिन बट हिज ब्रदर इज प्लेइंग, लेकिन उसका भाई खेल रहा है, ये अपना पूरा भाव एक्सप्रेस करने में, व्यक्त करने में सक्षम नहीं है। ये जो बट आया है ये कहीं ना कहीं पूरे सेंटेंस के भाव को अधूरा कर दे रहा है।
तो कहने का मतलब ये हमारा प्रिंसिपल क्लास है और ये हमारा प्रिंसिपल क्लास नहीं है। ये किस प्रकार की क्लास है इसके बारे में चर्चा किया जाएगा, लेकिन हमें अभी ये समझना है कि सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लास कौन से होते हैं। हमारे दिमाग में एक चीज़ तो समझ में आया ही होगा कि प्रिंसिपल क्लास उसे कहते हैं जो सेंटेंस में दूसरे क्लास के साथ आते हैं, लेकिन प्रिंसिपल क्लास वह क्लास होता है जो अपना पूरा भाव एक्सप्रेस करने में सक्षम होता है, वही हमारा प्रिंसिपल क्लास होता है। एक दो एग्जांपल के माध्यम से और समझने का प्रयास करते हैं। कठिन नहीं है, केवल आपको समझने की जरूरत है, थोड़ा सा कंसंट्रेट होने की जरूरत है। सेंटेंस अगर ये दिया जाए जैसे शी लव्स द बॉय Whom I helped study. She loves the boy whom I helped study. हम देखते हैं कि सेंटेंस में ये वाला जो पार्ट है ये अपना पूरा भाव देने में समर्थ है। अगर इसको हम हटा भी देते हैं तो ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा और ये अपना पूरा भाव क्लियर कर दे रहा है कि वह किसी आदमी को कि सॉरी ही सी लव्स द बॉय, वह किसी विशेष लड़की को प्रेम करती है, क्योंकि इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखें हम तो ये अपना पूरा भाव कंप्लीट करने में सक्षम नहीं है। जिसे मैं कल हेल्प किया था उसे वो प्रेम करती है, उसे वह लड़के को प्रेम करती है जिसे मैं कल हेल्प किया था। तो कहने का मतलब है ये हमारा प्रिंसिपल क्लास होगा और ये हमारा प्रिंसिपल क्लास नहीं है। कुछ हल्का फुल्का तो क्लियर ही होगा, थोड़ा सा देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा प्रिंसिपल क्लास हुआ। प्रिंसिपल क्लास में एक चीज और है, प्रिंसिपल क्लास के साथ में या तो कोई कोऑर्डिनेट क्लास आता है या तो सबऑर्डिनेट क्लास आता है। अगर इसके साथ में ना तो कोऑर्डिनेट क्लास आ रहा है ना तो सबऑर्डिनेट क्लास आ रहा है, कोऑर्डिनेट क्लास भी मतलब देख लीजिए थोड़ा सा, जैसे ही वेंट टू आगरा एंड सद ताजमहल। इसमें ये पार्ट जो है ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है और एंड स द ताजमहल ये हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज है। ये अपना पूरा भाव कंप्लीट करने में अपना पूरा भाव एक्सप्रेस करने में ये सक्षम है, लेकिन ये अपना पूरा भाव कंप्लीट करने में सक्षम नहीं है। इस कहने का मतलब है ये पूरा भाव कंप्लीट करने में सक्षम है इसलिए ये हमारा प्रिंसिपल क्लास है। इसके बाद में कोऑर्डिनेट क्लास आएगा। कोऑर्डिनेट क्लास क्या क्या करता है इसके बारे में बाद में चर्चा किया जाएगा। कहने का मतलब ये कोऑर्डिनेट क्लास के साथ में आया है, ये अकेले नहीं आ सकता है प्रिंसिपल क्लास। दूसरा देखते हैं, जैसे सी मेट हिज, अगर हिज लिखते हुए तो गलत हो जाएगा, गलत नहीं होगा, his friend, she met his friend who stole her watch. she met his friend मतलब कोई लड़की है, किसी लड़के के मित्र से मिली है जिसने उसके वॉच को चुराया था। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट है ये हमारा प्रिंसिपल क्लास है और इसके बाद में जो आने वाला पार्ट है ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लास है। कहने का मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो प्रिंसिपल क्लास होता है वो या तो कोऑर्डिनेट क्लास के साथ में आता है या फिर सबऑर्डिनेट क्लास के साथ में आता है। इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है प्रिंसिपल क्लास का। अगर ये स्वतंत्र अस्तित्व में जाने का प्रयास करेगा तो ये क्लास ना होकर के ये एक सेंटेंस बन जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, चलिए
इसके बाद में हम कोऑर्डिनेट क्लास को देखते हैं। कोऑर्डिनेट क्लास क्या होता है? कोऑर्डिनेट क्लास ऐसा क्लास होता है जो अपना पूरा भाव एक्सप्रेस करने में सक्षम होता है, लेकिन ये भी अकेले नहीं आता है। ये किसके साथ में आता है? प्रिंसिपल क्लास के साथ में आता है। फिर आप कहेंगे कि प्रिंसिपल क्लास और कोऑर्डिनेट क्लास में अंतर क्या है? अंतर है, प्रिंसिपल क्लास जो है वो कोऑर्डिनेट क्लास के साथ में भी आ सकता है और सबऑर्डिनेट क्लास के साथ में भी आ सकता है, लेकिन कोऑर्डिनेट क्लास सबऑर्डिनेट क्लास के साथ में नहीं आ सकता है। मूल मंत्र है, इसको दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि प्रिंसिपल क्लास और कोऑर्डिनेट क्लास में पहला अंतर यह है। दूसरा अंतर क्या है? कोऑर्डिनेट क्लास के साथ में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। जब तक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग नहीं किया जाएगा तब तक कोऑर्डिनेट क्लास नहीं बन पाएगा। जैसे इसके साथ में क्या आ सकता है? एंड। कहने का मतलब उस क्लास के पहले जिसके पहले एंड आ रहा है कोऑर्डिनेट क्लास हो सकता है, उसके बाद में क्या हो सकता है? बट हो सकता है, आइदर आर हो सकता है, नाइदर नार हो सकता है, ईटीसी हो सकता है। जब विस्तार से पढ़ाया जाएगा क्लास को तो बताया जाएगा, अभी केवल इतना ही समझ लीजिए। चलिए अब देखते हैं कि सेंटेंस में कोऑर्डिनेट क्लास को कैसे पहचानेंगे। जैसे ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल एंड His father plowed the field। ट्रैक्टर से नहीं, हो सकता है बैल से भी चलते हो। He went to school and his father plowed the field। वह स्कूल गया और उसके पिता ने खेत जोता। यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं कि ये हमारा प्रिंसिपल क्लास है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा सबऑर्डिनेट क्लास है। प्रिंसिपल क्लास क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे ये पार्ट अपना खत्म हो रहा है, ये अपना पूरा भाव देने में सक्षम है, इस वजह से ये हमारा प्रिंसिपल क्लास है। ये भी अपना पूरा भाव, अगर इस एंड को हम हटा दें तो ये भी अपना पूरा भाव देने में सक्षम है, लेकिन इसके पहले क्या आ रहा है? एंड आ रहा है, कंजंक्शन आ रहा है, इसलिए ये हमारा प्रिंसिपल क्लास ना होकर कि ये क्या होगा? हमारा कोऑर्डिनेट क्लास होगा। पहले चीज, दूसरी चीज, इसमें भी क्या आ रहा है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आ रहा है। ये हमारा सब्जेक्ट हुआ और यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा प्रेडिकेट हुआ। भाई सब्जेक्ट हमारा क्या है? काम कौन कर रहा है सेंटेंस में? किसके बारे में चर्चा की जा रही है? यही के बारे में चर्चा की जा रही है। तो यही हमारा क्या होगा? ही सब्जेक्ट होगा। ही नहीं, मतलब आई मीन टू से दैट ही इज अ सब्जेक्ट। ठीक, ही इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस का ये क्या है? सब्जेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, इसमें भी क्या है? एक सब्जेक्ट है और दूसरा हमारा क्या है? प्रेडिकेट है। इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट हमारा और इसका प्रेडिकेट क्या है? लोड द फील्ड। इसमें यह सब्जेक्ट, इसमें यह सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें यह काम कर रहा है और इसमें यह काम कर रहा है। और इसके बारे में चर्चा क्या की जा रही है? कि स्कूल गया, ये हमारा प्रेडिकेट हुआ, ये चर्चा कर रहा है, इसकी चर्चा कर रहा है। ठीक, तो जो पार्ट सब्जेक्ट की चर्चा करता है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है, कोई स्टेटमेंट देता है, वही हमारा क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। यहाँ पे इसके बारे में चर्चा की जा रही है, सॉरी इस पर चर्चा की जा रही है और इसके बारे में चर्चा इस भाग में की जा रही है। ठीक, इसके सब्जेक्ट के बारे में चर्चा कौन कर रहा है? इतना पार्ट कर रहा है कि हमारा क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। क्लियर हुआ? तो पहला क्राइटेरियन हमारा क्या था कि जो प्रिंसिपल क्लास है या कोई दूसरा क्लास होगा उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जरूर पाए जाएंगे। तो इसमें प्रिंसिपल क्लास ये है और सबऑर्डिनेट क्लास ये है। और ये भी हमको देखना है कि ये सबऑर्डिनेट क्लास क्यों है, क्योंकि ज़्यादातर जो कोऑर्डिनेट क्लास आते हैं, कोऑर्डिनेट क्लास की बात की जा गई है, भाई थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया है, ध्यान से दीजिएगा कि इस कोऑर्डिनेट क्लास में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग किया गया है। आगे देख लेते हैं एक सेंटेंस और। सी
मैं सी कुक्ड फूड, सी कुक्ड फूड बट डिड नॉट सर्व। उसने खाना पकाया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा क्या हुआ, प्रिंसिपल क्लॉज हुआ। बट डिड नॉट सर्व, लेकिन परोसा नहीं। यहाँ पे सी हो भी सकता है, और अगर सेंटेंस में सी नहीं है तब भी सेंटेंस हमारा गलत नहीं होगा, क्योंकि दोनों सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है ये हमारा कॉमन है। ऐसे भी स्ट्रक्चर सेंटेंस में देखने को मिलते हैं जिनको सही माना जाता है। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, सी है, और इस सेंटेंस का भी सब्जेक्ट हमारा क्या है, सी है। इसलिए इसको इस सेंटेंस में कहीं पे कोई त्रुटि नहीं है। यहाँ पे हम सी लगा सकते हैं, और सी हम ना भी लगाए तब भी सेंटेंस हमारा सही माना जाएगा। कहने का मतलब एक ही बार सी लगा करके काम को कंप्लीट कर दिया गया है, इसको इसलिए बताया जा रहा है। नहीं तो आपके दिमाग में ये आ सकता है कि यहाँ पे सब्जेक्ट दिया गया है, ये प्रेडिकेट दिया गया है, ये कंजंक्शन के साथ में तो आया है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं दिया गया है। ये वाला सब्जेक्ट यहाँ पे भी काम कर रहा है, कहने का मतलब यहाँ पे सी है, इस वजह से इसको सब्जेक्ट यहाँ पे माना गया है जो कि अंडरस्टूड है। और यहाँ पे सर्व प्रेडिकेट आया है, डिड नॉट सर्व, ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। तो सेंटेंस में हम देख के आ रहे हैं कि दो क्लाज आए हैं, एक प्रिंसिपल क्लाज आया है और एक सबॉर्डिनेट क्लाज आया है। सबॉर्डिनेट क्लाज हमारा किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है। हमें अगर कभी कभी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट आ रहा है जो दोनों क्लाज में काम कर रहा है, तो वहां पे ज्यादा पेन लेने की जरूरत नहीं है। सेम सब्जेक्ट है और वो दोनों क्लास में काम कर रहा है, इसलिए ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है, जिसमें से एक प्रिंसिपल क्लास है और दूसरा हमारा कोऑर्डिनेट क्लास है। इसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे सबॉर्डिनेट क्लास पे। जब पूरी तरह से चर्चा की जाएगी तब आपको कम से कम 10-10 15-15 सेंटेंस के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। समझ गए तो अच्छी बात है, और नहीं समझे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रयास ना करना ये गलत बात है। एक बार भी नहीं समझ में आएगा, दो बार भी नहीं समझ में आएगा, जब क्लासेस चलने लगेंगी प्रॉपरली तो बताया जाएगा 10 सेंटेंस के माध्यम से, 20 सेंटेंस के माध्यम से। लेकिन जब तक लॉकडाउन चल रहा है तब तक हमें इसी पर भरोसा करना है, इसी पर हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए आगे बात करते हैं हम सबऑर्डिनेट क्लास की। बेटा यूनिट हम केवल बता रहे हैं, बस एज ए यूनिट इसको हम टीच कर रहे हैं, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं, और इसको हम कहें तो विस्तृत रूप से हम पढ़ नहीं रहे हैं। सबॉर्डिनेट क्लास क्या होता है, ऐसा क्लास जो अपना पूरा भाव देने के लिए प्रिंसिपल क्लास पर डिपेंड रहता है, वही हमारा क्या होता है, सबॉर्डिनेट होता है। जैसे कहा जाए सी स्टूल, द वॉच, सी स्टूल द वॉच, अटपटा नहीं है, लोग ये लोग भी चोरी कर लेते हैं कभी कभी। सी स्टूल द वॉच दैट आई बट लास्ट मंथ, सी स्टूल द वॉच, उसने घड़ी को चुरा लिया। दैट आई बॉट, जिसको मैंने खरीदा था लास्ट मंथ। प्रश्न उठता है कि इसमें प्रिंसिपल क्लास कौन सा है और सबॉर्डिनेट क्लास हमारा कौन सा है। तो प्रिंसिपल क्लास हमारा क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। दैट आई बॉट लास्ट मंथ, ये हमारा सबॉर्डिनेट क्लास है। क्यों सबॉर्डिनेट क्लास है, क्योंकि इसको अपना पूरा अर्थ एक्सप्रेस करने में इस पर डिपेंड होना पड़ रहा है, इसी वजह से इसको सबॉर्डिनेट क्लास कहा जाएगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे सी, बार बार सी नहीं, कभी कभी ही की भी बात चर्चा कर लिया जाए। हम रोहन की चर्चा करेंगे, हमारे पड़ोसी हैं रोहन जी, उन्हीं की चर्चा की जाएगी। रोहन पनिश्ड अस, पनिश्ड मदर, सॉरी ये किसी दूसरे की माता भी हो सकती है, हु
इस विंडो, इस सेंटेंस को मैं जानबूझ के ऐसे लिख रहा हूँ, ये रोहन है, ये सब्जेक्ट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्रेडिकेट है, इन्होंने परेश किया, कोई महिला है उसकी माता को, और उस माता ने क्या किया था, रोहन की विंडो को तोड़ दिया था। ये तो इसका आशय हुआ। हमको समझना क्या है, हमारा काम यहाँ पे ये है कि हम समझें कि इसमें प्रिंसिपल क्लास है कौन सा है और इसमें सबॉर्डिनेट क्लास कौन सा है। तो प्रिंसिपल क्लास हमारा ये होगा और सबॉर्डिनेट क्लास हमारा ये होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर एक पॉज लगा दिया जाएगा तो ये अपना यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये अपना पूरा भाव कंप्लीट करने में सक्षम है। और लेकिन हु ब्रोक हिज विंडो, जिसने उसकी विंडो तोड़ी थी, ये अपना पूरा भाव स्पष्ट करने के लिए इसके ऊपर डिपेंड है। अगर हम हु को हटा दें तो ये अपना पूरा भाव बिल्कुल क्लियर नहीं कर पाएगा। तो ये कोई कंजंक्शन नहीं है, पहली बात तो ये समझ लीजिएगा। दूसरी चीज़ हमको ये समझने का प्रयास करना चाहिए कि ये अपना पूरा भाव स्पष्ट करने के लिए, पूरा भाव क्लियर करने के लिए इस पर डिपेंडेंट है। तो ऐसा देख लीजिएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। कल आपको सबॉर्डिनेट क्लास में और क्या क्या चीज़ें होती हैं उसको बताया जाएगा। धन्यवाद।